हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पाइल फाउंडेशन एस्टीमेट, यानी कि जब हम एक पाइल फाउंडेशन बनाते हैं तो उसमें कितनी स्टील और सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा, उसको हम एस्टीमेट कैसे करेंगे, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूं अपने मैं टॉपिक की ओर, पाइल फाउंडेशन एस्टीमेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पाइल फाउंडेशन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसके जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एक पाइल है, ठीक है, जिसका ये क्रॉस सेक्शन है, जिसमें कि ये क्लियर कवर जो पाइल में हमने प्रोवाइड किया वो कितना है, 3 इंच है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लियर कवर जो कि 3 इंच है, और डाया ऑफ पाइल कितनी है वो है 20 इंच है, ठीक है। और इसमें 6 नंबर ऑफ मेन बार प्रोवाइड की गई है, जो कि 16 mm डाया की है, ठीक है। ये 6 नंबर ऑफ बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार हैं, 16 mm डाया की मेन बार वर्टिकल बार है। और ये हमारी क्या है, ये पाइल का व्यू है, जो कि 2 फीट ये लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 50 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये 1 फीट है, ठीक है। और इसमें जो स्पायरल प्रोवाइड की गई है वो 10 mm डाय की है, और 5 इंच सेंटर सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो अब इसका मैं कैलकुलेशन करने है कि इसके अंदर कितनी मेन बार्स और स्पायरल हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ स्टील निकाल लेते हैं कि मेन बार के लिए, ठीक है, मेन बार कितनी प्रोवाइड की गई, कितनी केजी और उसकी लेंथ क्या है। तो फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ स्टील देख लिए, तो लेंथ ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, ये 2 फीट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 2 फीट प्लस ये 50 फीट, ठीक है। तो 2 फीट प्लस 50 फीट प्लस ये 3 फीट, 3 फीट हम क्यों ले रहे हैं, और यहाँ पे ये 1 फीट नहीं लिया, क्योंकि जो हमारी स्टील प्रोवाइड होगी वो यहाँ तक होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर कवर रहेगा, ठीक है, नीचे की ओर, तो ये 1 हमें प्लस नहीं करना है। यहाँ पर हमने ये 3 क्यों प्लस किया है, ठीक है, जब 20 फीट से ऊपर जब लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बार, तो उसके बाद हमें लैपिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, और 20 फीट से क्या है, 2 बार ज़्यादा, ठीक है, तो लगभग 3 फीट हमें क्या है, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, लैपिंग के लिए। तो यहाँ पे 3 फीट हमने और ऐड कर दिया है, तो टोटल लेंथ ऑफ बार कितनी होगी, 55 फीट, ठीक है। तो एक स्टील, यानी कि एक स्टील के ये जो है हमें पता चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ होगी वो है 55, और टोटल कितनी है, 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड की गई है, तो टोटल बार्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 55 फिट इंटू 6, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर ऑफ बार थी, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया, 330 फिट, ठीक है। तो अब हमें टोटल लेंथ मिल गई बार्स की, तब हमें वेट ऑफ मेन बार निकाल लेना है, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। वेट ऑफ मेन बार इक्वल टू फार्मूला क्या होता है निकालने का, डी स्क्वायर इंटू एल बाई 532, ठीक है, यानी कि ये लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और बाकी ये फार्मूला होता है, ठीक है, लेंथ के लिए जितनी भी हमें लेंथ चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेंथ हमें पता ही है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये 16, क्योंकि 16 जो मेन बार जो वर्टिकल प्रोवाइड की गई है वो 16 mm डाई की है, तो यहाँ 16 का स्क्वायर हो गया इंटू टोटल लेंथ ऑफ कितनी आई थी ये हमने, 330, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ बार ये यहाँ पर हमने लिख दिया 330 फिट और अपॉन 532, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो टोटल वेट ऑफ बार हमें मिल गया कितना, 158.80 kg, ठीक है। तो वर्टिकल बार का हमें वेट पता चल गया। अब नंबर हमें स्पायरल निकालना है, ठीक है, ये जो स्पायरल में प्रोवाइड की गई है पाइल में, उसको हम कैसे निकालें, तो वो देख लिए। टोटल जो हमें स्पायरल जो प्रोवाइड करनी है वो 50 फिट, यानी कि जो यहाँ पर आप फिगर देख लिए, यहाँ से ले कर यहाँ तक की जो ये 50 फिट लेंथ है, ठीक है, उसी में हमें स्पायरल प्रोवाइड करना है, ठीक है। 50 फिट में हमें क्या करना होगा, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किस में, इंच में, ठीक है, क्योंकि ये इंच में है, इसमें जो डिस्टेंस है दो स्पायरल के बीच में वो इंच में है, ठीक है। तो इसको इंच में हम कन्वर्ट कर लेंगे 50 फिट को, तो और 50 में डिवाइड कर देंगे 5 से उसके बाद, ठीक है। तो देख लिए कैलकुलेशन, तो फ्रेंड 50 फिट को मैंने पहले कन्वर्ट किया किस में, इंच में, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 5 इंच से डिवाइड, क्योंकि जो डिस्टेंस है स्पायरल के दो वो कितना है, 5 इंच है, और प्लस 1 करना होगा, क्योंकि एक पॉइंट हम छोड़ के कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, वरना एक हमें कम पड़ जाएगा अगर 1 प्लस नहीं करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 121 नंबर्स ऑफ स्पायरल, यानी कि जो हमारी पाइल फाउंडेशन है उसमें 121 नंबर्स ऑफ स्पायरल लगेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकाल लेना, लेंथ ऑफ स्पायरल, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्पायरल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है निकालेंगे, पाई डी, ठीक है, यानी कि ये डी क्या है, स्पायरल की डाया जो होगी टोटल, यानी कि ऊपर मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ ये डी क्या है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल डाया कितनी थी, ये 20 इंच थी, ठीक है, ये जो हमारी पाइल है इसकी 20 इंच डाया है, और इसमें क्लियर कवर कितना है, 3 इंच है, ठीक है, 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6,
सिक्स इसमें माइनस कर दें तो ये हमें स्पायरल वाली ये डाई जो है ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 6, तो आ जाएगा कितना 14 इंच, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू जो हमें निकालनी थी स्पायरल के लिए वो हमें मिल गई कितना 14 इंच, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको फिट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हमें फिट में करना है। तो फिट में कैलकुलेट कर लेंगे तो 14 में 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना 1.7 फिट आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, देख लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर ली है 1.17, ठीक है, ये फिट की वैल्यू है, ठीक है, ये फिट में आया है हमारा, देता हूँ मैं फिट का, ठीक है, तो ये फिट में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 3.67 फिट, ठीक। तो लेंथ ऑफ स्पायरल हमें 3.67 फिट मिल गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक स्पायरल की लेंथ मिल गई, कितनी लेंथ होगी एक स्पायरल की, ठीक है। तो अब टोटल जितने भी स्पायरल है उसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे वो देख लिए, टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल कितना कैसे निकलेगा, जो ये हमारा आया है एक स्पायरल की लेंथ, ठीक, उसमें हमें नंबर ऑफ स्पायरल से हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि 3.67 इंटू 121, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया कितना 444.07 फिट, ठीक है। तो ये हमें फिट में टोटल लेंथ स्पायरल की मिल गई जितनी भी हमारे पाइल में यूज़ करनी है। अब हमें क्या करना होगा कि स्पायरल का हमें वेट निकाल लेना है, टोटल कितना के जी हमें स्टील यूज़ होगा स्पायरल के लिए, तो वो देख लिए, इसका भी वेट निकालने का भी फार्मूला यूज़ करेंगे, डी स्क्वायर बाई 532 इंटू एल, ठीक है, ये एल लेंथ है जितनी भी हमें लेंथ चाहिए हो, तो लेंथ हमें पता है, डी की वैल्यू कितना है स्पायरल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 mm आएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर पहले बता भी दिया था। तो डी स्क्वायर इंटू स्पायरल की लेंथ टोटल तो 444.07, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 532, इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि हमें 83.47 kg हमें रिक्वायर्ड होगा स्पायरल के लिए स्टील, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें मेन बार के लिए कितनी केजी स्टील रिक्वायर्ड होगी और स्पायरल के लिए कितनी केजी स्टील रिक्वायर्ड होगी वो हमें पता चल गया। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें निकाल लेना कि कितनी केजी हमें सीमेंट सैंड और ग्रेड इसमें रिक्वायर्ड होगा पाइल फाउंडेशन में, ठीक है, तो उसको देख लिया। तो फ्रेंड्स मटेरियल इन पाइल फाउंडेशन, तो फ्रेंड्स पाइल फाउंडेशन के लिए मटेरियल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि वैल्यूम ऑफ पाइल निकालना होगा, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ पाइल के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं, वो फुल डिटेल वीडियो है, यहाँ थोड़ा मैंने शॉर्टली वर्क किया है पाइल वैल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ पाइल आप देख लिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेप्थ, ठीक है, डेप्थ किसकी पाइल की, ठीक है, और ये डी क्या है डाया ऑफ पाइल, ठीक है, ना कि डाया जो हमने लिया हुआ था किसका स्पायरल का, ठीक है, तो वो वाला नहीं है, ये 20 इंच जो था वो वाला है, ठीक है। तो 20 इंच ये डी हो गया और बाकी डेप्थ आपको पता है 53 फिट, ठीक है। तो सारी वैल्यू रख लेते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है 1.67, ये 1.67 कहाँ से आ गया, ये डी जो था पाइल की डाया है वो 20 इंच थी, तो उसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना 1.67 फिट, ठीक है। तो ये 1.67 फिट ये हमें मिल गया, तो इसका स्क्वायर हो गया डी किया, ठीक है, और डेप्थ कितनी थी वो थी 53 फिट और अपॉन ये 4 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 116.03 क्यूबिक फिट, यानी कि पाइल का जो वैल्यू में क्यूबिक फिट में हमें मिल गया, लेकिन जो हम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की जो क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड कितनी हमें होगी वो हमें ड्राई वैल्यूम के हिसाब से निकालना है, ठीक है, क्योंकि वेट वैल्यूम से अगर हम करेंगे कैलकुलेशन तो हमें मटेरियल की जो क्वांटिटी वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो ड्राई वैल्यूम देख लिए वो कितना हो जाएगा 116.03 इंटू 1.54, ठीक है, ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए वेट वैल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 178.69 क्यूबिक फिट, तो ये हमें मिल गया क्यूबिक फिट में, ठीक है। इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है हमें 35.3147 से हमें इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आ जाएगा ड्राई वैल्यूम कन्वर्ट टू मीटर क्यूब, तो आ जाएगा कितना 5.06 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गया ड्राई वैल्यू मीटर क्यूब में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो ये कैलकुलेशन किया हुआ सीमेंट सैंड एग्रीगेट का वो M35 ग्रेड के लिए किया है, ठीक है। तो M35 ग्रेड का जो रेशियो होता है वो देख लिए, तो M35 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:0.5:1, यानी कि 1 सीमेंट, ठीक है, 1 सीमेंट हो गया और 0.5 कितना क्या सैंड हो गया और 1 क्या एग्रीगेट, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब सीमेंट का कैलकुलेशन देख लिए, तो फ्रेंड्स सीमेंट के लिए क्या होगा ड्राई वैल्यूम, ठीक है, ड्राई वैल्यूम वो इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट, रेशियो ऑफ सीमेंट जो रहेगा यानी कि ये 1, ठीक है, 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो यानी कि 1+0.5+1, ठीक है, तो ये सम ऑफ रेशियो क्या इंटू डेंसिटी यानी कि सीमेंट की डेंसिटी, ठीक है। तो ड्राई वैल्यूम आपको पता है 5.06 मीटर क्यूब के लिए, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, रेशियो ऑफ सीमेंट 1 था तो यहाँ 1 लिख दिया, और सम ऑफ रेशियो ये 2.5 आएगा तो यहाँ 2.5
एंड टू डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको पता होगा कितनी होती है, 1440। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें सीमेंट कितने रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा। तो देख लीजिए वो कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स सीमेंट की जो हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो कितना है, 2914.56 kg। ठीक है, तो ये हमें kg में पता चलेगा, इतनी kg हमें सीमेंट रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स जो हम सीमेंट जो परचेस करते हैं वो बैग्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो हमें कितनी बैग्स हमें रिक्वायर्ड होगी सीमेंट, तो वो देख लिए कैसे करना है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने के लिए हमें 2914.56 में 50 से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो उससे हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग मिल जाएगा, तो यहाँ पे 58.29 बैग्स आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सीमेंट की तरह सैंड का भी सेम कैलकुलेशन होगा, बस इसमें चेंजिंग क्या है, ड्राई वॉल्यूम ये सेम इंटू रेशियो ऑफ सैंड, ठीक है। यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, ठीक है, और कौन सा ऑफ रेशियो 2.5 इंटू यहाँ पे 35.3147 से मैंने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि ड्राई वैल्यू मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इससे यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हम सैंड परचेस करते हैं वो क्यूबिक फिट में करते हैं, ठीक है। तो ड्राई वैल्यू 5.06 इंटू रेशियो ऑफ सैंड 0.5, पम्प सम ऑफ रेशियो 2.5, और ये उतार दिया वैल्यू 35.3147। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें सैंड की वैल्यू मिल जाए कितनी हमें रिक्वायर्ड है, 35.74 क्यूबिक फिट, ठीक है। तो हमें ये सैंड की रिक्वायर्ड वैल्यू में मिल गई। एग्रीगेट के लिए भी सैंड की तरह सेम होगा, ड्राई वैल्यू इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट यानी 1/sum of ratio 2.5 इंटू 35.3147। इससे यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया ये आपको पता ही होगा, क्योंकि जो हम एग्रीगेट परचेस करते हैं वो क्यूबिक फिट के लिए, ठीक है। तो ड्राई वैल्यू कितना था, 5.06 इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट 1/sum of ratio 2.5 और 35.3147। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एग्रीगेट की क्वांटिटी मिल जाएगी, वो कितनी है, 71.47 क्यूबिक फिट, ठीक है। तो हमें एग्रीगेट की क्वांटिटी मिल गई। फ्रेंड्स ये था पाइप के लिए, स्टील कितनी इसमें लगेगी और सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कितनी लगेगी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।